तो जैसा कि थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं हूँ इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ब्यूटीफुल कैंपसेस आईआईटी रुड़की में। और अभी जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ ये है आईआईटी रुड़की का मेन गेट। वैसे तो यहाँ पर लगभग 10 गेट हैं, लेकिन ये वाला जो गेट है ये गेट रोडवेज के बिल्कुल पास में है और यही यहाँ का मेजर गेट है। तो यहीं से हम लोग अपना कैंपस टूर स्टार्ट करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। To my right, we are crossing Lal Bahadur Shastri Stadium, LBS ground, and left में है National Institute of Hydrology की building, NIH building. Next to it is Subhash Chandra Bose Stadium. हर साल IIT में एक international program होता है Thomshow, और उसका जो लाइव कॉन्सर्ट होता है म्यूजिक कॉन्सर्ट वो यूजुअली इसी ग्राउंड में होता है। बिग एंड ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स ग्राउंड LBS वेयर पीपल यूज टू डू एक्सरसाइज इवनिंग एंड मॉर्निंग वॉक एंड प्ले। तो अभी हम आ गए हैं इंस्टीट्यूट की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह पर। ये है IITR की मेन बिल्डिंग, और आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी IIT रुड़की से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है, इनफैक्ट रुड़की से रिलेटेड भी अगर कोई न्यूज़ होती है तो यही वाली जो मेन फ़ोटो होती है यही लगी होती है। सो यू कैन से कि दिस इज़ द फेस ऑफ द IIT रुड़की। ये मेन बिल्डिंग वाला जो एरिया है बहुत ही प्यारा है, काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। तो बैठे हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, एक फैक्ट शेयर करती हूँ आपके साथ में इस बिल्डिंग से रिलेटेड। किसी भी जगह से, किसी भी गेट से अगर आप इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं तो ये वाली जो मेन बिल्डिंग है ये बिल्कुल सेंटर में ही दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ये इंस्टीट्यूट के सेंटर में ही है, आप किसी भी गेट से एंट्री करो। हाँ, उसके अलावा एक और बात है, आपने देखा होगा कि जिस टाइम पर मैं यहाँ पर आई मेन बिल्डिंग पर तो थोड़ी सीढ़ियाँ मैंने चढ़ी, तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, इतनी ऊंचाई पे है ये कि अगर एक बार को पूरे शहर में भी मान लो पानी भर जाता है तो भी आई डोंट थिंक कि इस बिल्डिंग पे कोई असर होने वाला है।
Opposite to the main building, this is Mahatma Gandhi Central Library. It is one of the best academic libraries in the country with a collection of more than 3,20,000 documents. Now we are crossing Boys Hostel Ravindra Bhavan. Iske next pe hai Lecture Hall Complex. यहाँ पर लिखा भी हुआ है न्यू लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स एंड देन दिस बिल्डिंग इज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. This is Major Dhyan Chand Hockey Stadium. Kasturba Bhavan Girls Hostel. CSIR CBRI Research Laboratory वाला एरिया है ये पूरी जो बिल्डिंग है. यहाँ से आगे तक जहाँ तक आप देख रहे हैं ये पूरी CSIR रिसर्च लैबोरेट्री है. नाउ आई एम क्रॉसिंग सरोजनी भवन गर्ल्स हॉस्टल एंड अपोजिट टू इट इट इज जवाहर भवन. दिस इज अ बॉयज हॉस्टल. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, incubation center for startups, and this is electronics and computer department. Khosla International House, it is an international guest house. और अब हम आ गए हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में. कभी इसी डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए इस पूरे इंस्टीट्यूट को बनाया गया था. वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज डिपार्टमेंट्स यू कैन सी कैंटीन्स, residential quarters for faculty, for research scholars, number of bachelor's hostel. An institute hospital, and the best part is the greenery and peaceful environment. So, ये था IIT रुड़की का खूबसूरत कैंपस. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.